यदि प्रणव दा को हम सर्वमान्य राजनेता कहें तो यह 100% सही है। प्रणव दा थे ही ऐसे कि किसी भी दल के नेता उन्हें बेहद सम्मान करते थे। प्रणव दा ने राजनीतिक जीवन में एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। उनके संपर्क का दायरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित नहीं था, उनके देश के लगभग प्रत्येक दलों के नेताओं से संपर्क था और राजनीतिक विचारधारा को किनारे कर वे सभी की कहीं न कहीं पर मदद जरूर करते थे। वे पढ़ाकू थे और किसी भी विषय में उनसे बात की जा सकती थी। वे एक संस्थान की तरह थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उन्हें पिता की तरह मानते थे और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे। वे आरएसएस के कार्यक्रम में भी गए और बेबाक अपनी बात रखी। उनके राजनीतिक जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्हें कांग्रेस से दूर कर दिया गया था। बेहद साफगोई से अपनी बातों को वे कह देते थे। 31 अक्टूबर 1984 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसी दिन राजीव गांधी, प्रणव दा और शीला दीक्षित तीनों कोलकाता में थे। यह खबर उन तक पहुंची, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि श्रीमती गांधी की मौत हो चुकी है। तीनों एक साथ एक ही हवाई जहाज में दिल्ली के लिए रवाना हुए। तब श्रीमती गांधी के कैबिनेट में प्रणव दा वित्त मंत्री थे और सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। सफर के बीच स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रणव दा से पूछा था कि यदि प्रधानमंत्री रहते किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सरकार का कैबिनेट का क्या करना होता है। प्रणव दा ने राजीव गांधी को बताया, परंपरा और तकनीकी रूप से कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्री को औपचारिक तौर पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। देश की परंपरा और संविधान के अनुसार प्रणव दा ने यह बात राजीव गांधी को कही थी। इसके बाद तीनों दिल्ली पहुंचे और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बिना ही संसदीय दल के औपचारिक बैठक के और परंपरा और संविधान को दरकिनार करते हुए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी, जिसके बाद श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी की कैबिनेट से प्रणव दा हटा दिए गए और कांग्रेस से बाहर कर दिए गए। यह पूरा वाक्या शीला दीक्षित की आत्मकथा में दर्ज है। इसके बाद प्रणव दा ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। समय के बीते 1989 में राजीव गांधी के साथ हुए समझौते के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इस तरह से प्रणव दा एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे कांग्रेस में ही रहे।